एपिसोड की शुरुआत में युवा को दिखाया जाता है, तभी वहाँ जेड आकर उससे कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस रात को अच्छे से सो नहीं पाया था। तो जेड कहता है कि वैसे किंग ने बताया कि मेरे जाने के बाद क्रिएट तुम्हें अपने पास बार बार बुला रहा था, चिंता मत करो मैं अब आ गया हूँ, तुम्हारे साथ अब लेट रात तक रुकूंगा ताकि तुम्हें अकेले ना रहना पड़े। अगर ये बात मुझे किंग ने ना बताई होती तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, किंग तुम्हारी सच में बहुत परवाह करता है। तो युवा कहता है कि ऐसा है क्या। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवा ऑफिस में आते हुए नजर आता है, तभी उसकी मुलाकात किंग से होती है जिसे वो इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेड को एक ईमेल आता है, तो ये देख जेड युवा से कहता है कि मिल्ड ने काम से रिजाइन दे दिया है, अगर ऐसे लोग काम छोड़कर भागने लगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या होगा जिस पे तुम काम कर रहे हो। तभी क्रिएट कहता है कि नकारा एम्प्लॉइज के काम छोड़ने पर ऑफिस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। युवा तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, क्या वो खत्म हुआ। तो कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा सा रह गया है, मैं जल्दी इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। तब जेड उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसी ने मिल्ड को फोर्स किया है ताकि वो रिजाइन कर दे। थोड़ी देर बाद युवा एनवेलप को उदास मन से देखे ही जा रहा होता है, तभी जेड आकर उसे कहता है कि तुम कहाँ थे, मिस्टर क्रिएट तुम्हें फिर से अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। तो युवा कहते हैं कि क्या हुआ है, क्या कोई अर्जेंट काम आ गया है। तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उसने सभी को तुम्हें ढूंढने के लिए कहा, क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ मैं भी आता हूँ। ये बोल वो उसे वहाँ से भेज देता है और उस एनवेलप में से एक लेटर निकाल कर देखने लगता है जो कि उसका ही रेजिग्नेशन लेटर होता है। थोड़ी देर बाद गुन युवा जेड से कहता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ गए थे, क्या तुम्हें पता भी है मैं अकेले किंग के साथ काम करके थक चुका हूँ। तो जेड कहता है कि इसलिए तो मैं यहाँ पे इसे लेकर आ गया, मैं और कोई मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता हूँ। तभी किंग उठकर वहाँ से चला जाता है। तो मंकोल युवा को देख उससे कहता है कि आखिर तुम यूँ क्यों खड़े हुए हो, अगर तुम फ्री हो तो मेरा ही काम कर दो ना। तो वो उससे कहता है कि कितना घटिया है। तो मंकोल कहता है कि क्या तुम मेरे टी शर्ट की बात कर रहे हो, अरे अच्छा ही तो है। फिर से आगे बढ़ता है जहाँ युवा को उसकी बहन का कॉल आता है जिससे बातें करते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो वो कहते है कि कुछ नहीं, बस घर पे कपड़े सुखा रही हूँ, और भाई मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो युवा कहता है कि हाँ मैंने भी। तभी वो कहती है कि यहाँ कोई मॉम से मिलने के लिए आया हुआ है, खुद को तुम्हारा बॉस बता रहा है, क्या नाम था उसका, हाँ क्रिएट। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवा अपने घर आ चुका होता है, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम आ गए, आओ बैठो यहाँ पे, काम करके काफी थक गए होगे ना, तुम्हारे बॉस यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ हेलो बोलने के लिए आ गए। तो क्रिएट कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। तभी युवा से कहता है कि आखिर आप अपने वापस घर क्यों नहीं चले जाते हैं, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो काफी थक गए होंगे तो तुम उन्हें जल्दी क्यों भगाना चाहते हो। तो क्रिएट कहता है कि कोई नहीं मैं अब चलता हूँ, युवा तुमसे ऑफिस में मिलते हैं, ये बोलो वहाँ से चला जाता है। तो युवा भी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारा न्यू हबी है, काफी अमीर है, देखो तो जरा उसके द्वारा भेजे गए फ्रूट्स भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। युवा कहता है कि वो मेरा बॉस है। तो उसकी मॉम कहती है कि लेकिन वो तुम में इंटरेस्टेड है। तो युवा कहता है कि लेकिन आपको ही तो मेरा गेम बनना पसंद नहीं है ना। तो वो कहती है कि तो क्या, अब तुम अपने आप को बदल भी तो नहीं सकते हो ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, मुझे तो बस इससे फर्क पड़ता है कि मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। तो ये सुन वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मॉम आपको बिल्कुल भी मेरी फीलिंग की कदर नहीं है ना। अभी उसका स्टेप फादर बीच में आने लगता है, तो ये देख युवा उससे कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम बीच में मत आओ। तो ये देख उसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम अपने डैड से कैसी बातें कर रहे हो। तो ये सुन वो कहता है कि ये और मेरे डैड, ये तो आपका बस एक नया हस्बैंड है और कुछ नहीं, ये मेरे डैड नहीं है। तो उसकी मॉम उसके ऊपर सामान फेंकते हुए कहती है कि बदतमीज लड़के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे बात करने की, निकल जाओ यहाँ से मेरे घर से। मतलब ही लड़के। तो वो कहता है कि मतलब ही। तभी वो अपने स्टेप फादर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या आपको कभी गिल्ट महसूस हुआ है जो भी आपने मेरे साथ किया। मॉम क्या आपको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई इस घटिया इंसान का हमेशा साथ देने के लिए, मेरे ये कहने पे भी कि इसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, इसके बावजूद भी आपने मेरे पे कभी भी विश्वास नहीं किया और न ही मेरी कभी फिक्र की। तो कहती है कि तुम जैसा बेटा पाना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है, अगर तुम नहीं होते तो मेरी जिंदगी एक सुकून भरी होती। तो कहता है कि ठीक है, तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कभी भी ये जिंदगी जीना नहीं चाहता। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइव करते हुए नजर आता है और पहले की बातों को याद कर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और रोए ही जा रहा होता है। इधर किंग ड्रिंक करते हुए नजर आता है,
तभी वो युवा को मैसेज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है जिस कारण वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ जेड युवा से कहता है कि क्या तुम श्योर हो ना कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है। तो वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो जेड कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, बस मुझे 5 मिनट दो मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ये बोल वहाँ से चला जाता है। तभी युवा क्रेट को कॉल करते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि वो तो तुम्हें पता ही है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। तो युवा कहता है कि तुम बस इंतजार करो और देखो। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेड कहता है कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं है। तभी उसे युवा का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम मेरे टेबल के पास जाओ, जहाँ उसे एक एनवेलप मिलता है जिसे देख वो कहता है कि अब ये क्या है, क्या ये कोई लीव लेटर है। तो युवा कहता है कि तुम्हें इस लेटर को जाकर एचआर को देना है क्योंकि अब मैं और कोई हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी उसकी ताकत सिर्फ उसके ऑफिस में ही काम कर सकती है और उसे ये बात पता होना चाहिए। तो जेड कहता है कि ठीक है लेकिन तुम हो कहाँ। तो युवा कहता है कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं तुम्हें पहुँच कर कॉल करता हूँ। ये वोल्वो फोन रख देता है और किसी को मैसेज करते हुए नजर आता है। इधर किंग गुन से युवा के बारे में पूछने लगता है तो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, वो अभी तक ऑफिस भी नहीं आया है। तभी किंग को युवा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि किंग मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे गुस्सा किया, मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करते हो, ये मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसा बिहेव किया। शुक्रिया हमेशा मेरी परवाह करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, और शुक्रिया तुम्हारे सभी चीजों के लिए, चलो ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। तभी गुन से कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, अपसेट क्यों लग रहे हो। इधर युवा किसी घर में अंदर जाते हुए नजर आता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जो कि आपके लिए जल्दी अपलोड किया जाएगा।